The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, लिवर में सूजन आ गई। कई बार लोगों को देखते हैं आपके लिवर में सूजन है, आपके आपने ये हो गया, लिवर में सूजन हो गई है, आपके पेट में दर्द है, तो अल्ट्रासाउंड किया और लिवर में सूजन आ गई। सो लोग उसमें एंटीबायोटिक लेके आ जाते हैं, पर भी लिवर में सूजन सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं होती। तो लिवर में सूजन के क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकता है, ये जांच करनी पड़ती है। इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनगिनत लोगों को लिवर में सूजन है। फैटी लिवर है तो भी लिवर में सूजन होगी, कैंसर है तो भी लिवर, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं लिवर में सूजन के, और उसको समझना बहुत जरूरी है। आपकी हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है, आपने किया क्या है, जी कैसे रहे हो, गड़बड़ कहां कर रहे हो, राइट। लिवर और स्प्लीन दोनों सूजन हो सकती है, लिवर राइट में होता है, स्प्लीन लेफ्ट में होती है, हिपैटो स्प्लीनो मेगैली ऐसा हो सकता है, दोनों बढ़ सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं लिवर में सूजन के, जिसको हम कहते हैं हिपैटो मेगैली, यानी लिवर नॉर्मल साइज से बड़ा दिख रहा है। तो सो नॉर्मली क्या है, ये लोअर एज जो आपके होती है रिब केज की, उसके एज के साथ साथ लिवर का एज मिलता है। अगर हमें वो लिवर बड़ा होता जाता है तो ऐसे नीचे आता जाता है, तो लिवर पाल्पेबल होता जाता है। सो लिवर पाल्पेबल भी फील भी होता है, अरे लिवर सूजा हुआ है, या अल्ट्रासाउंड में भी दिखता है लिवर में सूजन है, लिवर नीचे आया है, लिवर में सूजन। सो ये जो लिवर में सूजन है, ये कई कारणों से होती है। लेट्स सी कौन कौन से कारण है। देखो, लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के फंक्शन का। सो सबसे कॉमन कारण जो लिवर में सूजन का है वो है दारू। जी हाँ, दारू जो पीते हैं, अल्कोहल अब्यूज्ड पीपल कैन, उसमें लिवर में सूजन इन्फ्लामेशन हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, जो डेंजरस चीजें होती हैं, कैंसर्स में हो सकता है, कई प्रकार के कैंसर्स में हो सकता है, पर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज दारू एंड चर्बी, फैट एंड अल्कोहल, दारू के वजह से डैमेज। और फैट, फैटी लिवर मतलब केवल जिसे हम फैट एक्युमुलेशन कहते हैं, स्टीटोसिस कहते हैं, लिवर के अंदर चर्बी जमा होगी, ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटीज है, तो नैश है, या बिना नैश के सिंपल अगर फैटी लिवर है तो भी आपके लिवर में सूजन आ सकती है। सबसे कॉमन रीजन है वो, उसका मतलब ये तो नहीं कि लिवर में इन्फेक्शन है, बिल्कुल नहीं। सो लिवर में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, किसी प्रकार का लिवर में इन्फेक्शन हो जाए आपको, या कोई सार्कोइडोसिस हो जाए, स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस हो जाए, या कोई इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाए, राइट। अलग अलग तरीके की बीमारी, कैंसर हो सकते हैं, कोई भी कहीं और से कैंसर पैदा होके लिवर में आ जाए, राइट, या कोई एक्चुअल लिवर के अंदर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाए, ब्लड में ल्यूकीमिया हो जाए, किसी प्रकार का इस प्रकार का कैंसर हो जाए, राइट। और या फिर जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, नीमैनपिक डिजीज, कंजक्ट, फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं, हेरिडेटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ये सब बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां, जिनमें कि लिवर में कुछ कुछ जमा होना शुरू हो जाता है, लिवर में कुछ कुछ जमा होना शुरू, तो वो भैया लिवर बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत से कारण हो सकते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक दारू पीते हैं, और कई बार क्लॉट्स बन सकते हैं बॉडी में कुछ कई बीमारियों से, तो पोर्टल वेन जो लिवर में खून लेके आती है वो बंद हो सकती है, वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, वहां के वजह से लिवर में सूजन हो सकती है, और यहां तक के हार्ट की बीमारी की वजह से भी लिवर में सूजन हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली जो ब्लड जाता है ये लिवर से होके फिर हार्ट में जाता है, बिकॉज आप जो खाते हो, आप जो भी खाते हो पहले शरीर में खून में घूमने से पहले पहले लिवर में जाता है, फिर वो राइट साइड हार्ट में जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजन भर के, फिर वो लेफ्ट साइड हार्ट में जाके फिर पूरी बॉडी को जाता है। तो पहले लिवर में जाता है और फिर राइट साइड हार्ट में जाता है। तो अगर आपका हार्ट फेल हो रहा है, चाहे लंग्स फेल हो रहे हैं, चाहे लेफ्ट साइड वाला हार्ट फेल हो रहा है, तो वहां से फेलियर का बैक प्रेशर लंग्स में, फिर राइट हार्ट में, फिर लिवर में आके लिवर में सूजन हो सकता है। कंजेशन है, ऑब्वियसली ये फ्लो में कंजेशन है, तो फ्लो में कंजेशन है तो बैक प्रेशर एक में आता जाएगा,
लंग्स में आएगा, सांस फूलेगी, राइट साइड हार्ट में आएगा, वहां पे सूजन आएगी, बैक प्रेशर होकर लिवर में आएगा, लिवर में सूजन आएगी। सो इस सारे कारण हो सकते हैं लिवर में सूजन के। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि आपके केस में अगर लिवर में सूजन है तो आपको पेन है क्या, कोई सिम्टम है क्या, आंखें पीली है क्या, जॉन्डिस है क्या, उल्टी आ रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, स्टूल कलर क्या है, लैट्रिन का कलर क्या है, आपके बुखार तो नहीं है, कोई उल्टी सीधी दवा तो नहीं खाई जी, कोई लिवर में डैमेज करने वाली चीज तो नहीं खा रहे, दारू कितना पीते हो नहीं पीते हो, ये सब देखना पूछना पड़ेगा और टेस्ट कराने पड़ेंगे, पेट का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, लिवर फंक्शन, ये कई बार MRI करा के देखना पड़ेगा और CBC ये सब जो बाकी जनरल ब्लड टेस्ट है वो करा के, तब पता चलेगा कि हाँ इनके केस में क्या कारण है लिवर में सूजन का। तो एक जनरलाइज चीज ना लिवर में सूजन की दवा, ऐसा नहीं होता है, लिवर में सूजन की दवा नहीं होती है, राइट, लिवर को असिस्ट करने की दवा होती है कि लिवर का काम है डाइजेशन करना, मैं डाइजेस्टिव एंजाइम दे देता हूं, लिवर में सूजन की दवा, ऐसा नहीं होता। दैट हेल्प्स बट देन इट्स नॉट द ट्रीटमेंट, राइट। ये भैया ये है कि चलो तुम्हारे को गैस हो रही है, तुम ऐसा मीठी गोली खा लो, कोई बात, सो दैट्स द थिंग। सो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दिस इज डॉक्टर परमजीत, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सही जानकारी लोगों को मिलेगी, लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और अच्छा भी लगेगा। सो इसीलिए वीडियोस बनाते हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।